जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 34 केंद्रों पर 10,395 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,388 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 4,007 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 17 सितंबर को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि जनपद में अभी तक 22,60,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 18,26,000 से अधिक तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 4,00,000 से अधिक लोग शामिल रहे। सीएमओ ने लोगों से अपील किया है कि वैक्सीनेशन कराते समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें तथा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें और मास्क का प्रयोग करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, सर आज कितने दिन रुक रहे हैं? आज हमारे जनपद में 34 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। कल हमारे जिले में बृहद राउंड चलेगा। अभी तक हम लोगों ने 22,60,000 से ज़्यादा का डोज लगा चुके हैं, जिसमें से दोनों डोज शामिल हैं। फर्स्ट डोज 18,26,000 से ऊपर का लगाया है, दूसरा डोज 4,35,000 से ऊपर लगाया हुआ है। आज हमारे बड़े जगहों पर ही वैक्सीनेशन चल रहा है, जैसे कि जिला अस्पताल, महिला पुरुष, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, संचारी रोग और हमारी बड़ी बड़ी सीएससी पर ही वैक्सीनेशन चल रहा है। जनता से अपील है कि कोरोना के केसेस तो कम हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहना है। कोरोना प्रोटोकॉल से वायरल फीवर जैसे रूबी का भी निदान हो सकता है, जो सीजन बुखार होता है उससे भी बचा जा सकता है। तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं, अच्छी मास्क भीड़ भाड़ में छींके ना, थूके ना, इस तरह से रोकथाम करने से बीमारी फैलने की संभावना कम रहती है। साथ ही साथ बाढ़ग्रस्त एरियाज में पीने के पानी को शुद्ध करके पिए, उसमें क्लोरीन की टैबलेट डालें, गर्म करके ठंडा करके पानी पिए, जिससे कि पेट की बीमारियों से बचा जा सकता है।